आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। प्रयागराज में शूट आउट के बाद कानपुर प्रशासन अलर्ट, आबादी वाले इलाकों में किया जा रहा फ्लैग मार्च। प्रयागराज के हत्याकांड के बाद धारा 144 लागू होने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं प्रशासन सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखे है, जिसमें भी कोई भ्रामक खबर संवेदनशील पोस्ट न डाले न ही उसे फॉरवर्ड करे। जहाँ अफवाह व अराजकता फैलाने वाले पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कानपुर नगर में हमने धारा 144 का प्रवर्तन किया है और LIU हमारे पुलिस सेवा मित्र, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर, सभी जो हमारे ऐसे लोग हैं जो समाज के बीच में रहते हैं और समाज के बीच की गतिविधियों की सूचना हमें जिनसे मिलती है, हमने पूरे चैनल और पूरे सिस्टम को गियरअप किया है। हमारे लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और फ्लैग मार्च अभी दोपहर में भी हुआ है, शाम को भी होगा, रात में भी हुआ था। सभी अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी सभी ग्राउंड में हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी PAC, हमारी क्विक रिएक्शन टीम, हमारे सभी थाना प्रभारी, हमारे चौकी प्रभारी, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी स्वयं फील्ड में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, सूचनाओं का संग्रहण करेंगे, चीज़ों पर पैनी नज़र रखेंगे। और साथ ही हमने 144 के माध्यम से तमाम निर्बंधन भी जारी किए हैं। सामाजिक माध्यमों पर किसी भी प्रकार की गलत पोस्ट को डालना, उसको फैलाना और माहौल खराब करना, इसे हमने दंडनीय जो है करार दिया है और उस पर कार्यवाही की जाएगी। ऑलरेडी 2-3 लोगों के ऊपर कार्यवाही की भी गई है। इसके अलावा हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार का सभा अथवा आयोजन अथवा सड़क के ऊपर कोई प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा बिना किसी अनुमति के किसी के द्वारा कहीं भी नहीं की जाएगी। तो जो 144 के निर्बंधन हैं उनके तहत और जो हमारी पुलिसिंग है, जो हमारा सूचना संग्रहण का माध्यम है और जो हमारा सिस्टम मैकेनिज्म है, एज ए होल हम सबको एक्टिवेट करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शांति व्यवस्था बनी रहे और हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।